Right, hi everyone. Good morning. Yeah, hi Nachiket. Good morning. Good morning, Divyansh. Good morning, Janmanjay. Hi Jay. Hi Khushi. Good morning, Daksh. Hi Ashmi. All right. So last class में क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? As a quick recap, someone would want to highlight. बोलो ध्रुवल सर, ग्राफ्स पढ़े थे. वो तो डाउट डिस्कशन लेक्चर का पार्ट था. उसके पहले वाले जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड बेसिक कैलकुलेशंस. सो आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो समझ में आ गया था. ठीक है, इफ आई टेक बैक टू द प्रीवियस लेक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाउ वेव थ्योरी वाजंट एबल टू एक्सप्लेन इट, हाउ क्वांटम थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन इट, एंड द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन दैट हाउ एट अ स्मॉल स्केल द एनर्जी ऑफ फोटोन इज बीइंग यूज्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन and the remaining energy is imparted as kinetic energy to the ejected electron. Right, so that is something which we saw in the last class, and uske upar kuch questions maine aapko karwaye the. Then ye electron volt ka unit maine aapko samjhaya tha, it will help in simplifying the calculations a bit, and based on that maine aapko ye simplification wala formula bhi bataya tha, that energy of photon electron volt ke units mein kaise hum log likh sakte hain. राइट, एंड एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने करा था ऑफ हाउ टू राइट अबाउट डूइंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैलकुलेशन इन द यूनिट ऑफ ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करने के लिए बोला था टुवर्ड्स द एंड. नॉट श्योर इफ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू कंप्लीट इट इन टाइम, बट आई होप दैट आफ्टर द क्लास व्हेन यू वर रिवाइजिंग so you tried solving this question by yourself. Is there anyone who was not able to get the answer to this question by themselves? Ha, bolo Kriti. Sir, can you explain it once? I did not understand. Aapko English to aati hai. Ha sir, but I was facing difficulty. Of course you are facing difficulty, so can you be a little bit more specific in terms of what kind of difficulty you were facing? Just a minute, sir. कुछ तो लिखा ही होगा ना, मतलब इतना तो अपने को समझ में आता ही है कि लाइक ये क्वेश्चन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है और इसमें देर इज दिस इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द फोटोन एंड इट्स वेवलेंथ, देन इट इज स्ट्राइकिंग अ मेटल सर्फेस. Right. कुछ तो इक्वेशंस बना पाए होगा ना, यू वुड हैव बीन एबल टू राइट समथिंग ऑफ अ स्टेप वन बेस्ड ऑन व्हिच देन वी कैन थिंक व्हाट इज इट दैट वी कैन राइट नेक्स्ट. बोलो यश. सर मुझे समझा ही नहीं था ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली. नहीं, वो तो मैं मान ही नहीं सकता कि समझा ही नहीं, मतलब इंग्लिश तो आती है ना. उसके ऊपर बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा था, कितना आपने करा वो तो मुझे बताओ. ठीक है, आप लोगों की आदत को मुझे काउंटर करना पड़ेगा, वेयर इन दिस इज अ हैबिट दैट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ यू, बिकॉज आप लोगों के स्पून फीडिंग की आदत हो रखी है. क्वेश्चन एक बार पढ़ा नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट ये तो बताओ कि क्या सोचा उसमें, कुछ तो ट्राई करा होगा ना. इट
कांट बी क्वेश्चन पढ़ा और नहीं आया, क्योंकि आगे आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसका रटा रटाया सोल्यूशन नहीं होगा आपके सामने. इफ यू डोंट हैव दैट रटा रटाया सोल्यूशन देन दिमाग चलाना पड़ता है, दिमाग चला के स्टेप वन में कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है, एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है कि इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, क्या पूछी हुई है, एंड देन उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ तो इक्वेशन लिखनी पड़ती है. तो मैं तभी ये डाउट को एंटरटेन करूंगा इफ यू आर गोइंग टू एबल टू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि आपने क्या लिखा है इसके बारे में. बोलो धैर्य सर. मेरे को सेकंड वाला आ रहा है, फर्स्ट वाला समझाने क्या करना है इसमें. सेकंड वाला आ रहा है, दोनों तो देखो साथ में ही आएंगे, ठीक है सर. मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, 1 to 4 डबल जीरो के नीचे 1 to 4 0 इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड 5 into k plus ke. बहुत ही बढ़िया. और दूसरे वाले का लिखा 1 to 4 00 अपॉन 2 4 8 0 प्लस 5 प्लस के ई अपॉन 3 प्लस के ई अपॉन 3, ठीक है. कैसे, क्योंकि पहले वाले केस में जो के ई था दैट वाज थ्राइस द सेकंड केस का के ई है ना, तो आपने एकदम परफेक्टली सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन. You have got two equations and two variables. Can't you, ये दो linear equation, दो variables solve करना तो आपने सीखा ही है ना junior class में, है कि नहीं? Yes sir, sir. Yes sir. Solve करके जो ये है 5 वो 2.5 आ गया. Perfect. 5 2.5 आ गया. Sir. EV. Yes sir. EV की units में आएगा और K को भी आप solve कर लोगे kinetic energy को. Yes, ठीक है, तो वो आपका 7.5 आ जाएगा, राइट. तो अब आपका ए पार्ट का आंसर हो गया, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल एंड ईवी आ गया. बी पार्ट का आप कैसे करोगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और फाई का रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए ना. ओके ओके, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और फाई का रिलेशनशिप है. अब आप ई की यूनिट इसको ऐसे लिख सकते हो, समझ गया, 0.00 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, राइट. अगर आपका फाइव ईवी में है तो आप इस तरीके से इसको पुट कर दोगे तो आपसे लैम्डा नॉट का वैल्यू आ जाएगा. यस, राइट. यस सर, ठीक है, चलो, गुड. दिस इज द काइंड ऑफ डिस्कशन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग. ऐसा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया तो सर अब ऐसा करो, कर दो हमारे लिए. इट विल बी ऑफ नो हेल्प, ठीक है. ऑल राइट, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन लाइक ये तो हम लोग खैर डिस्कस ही नहीं कर पाए थे, बट आई स्टिल केप्ट इट इन द नोट्स होपिंग दैट आप में से किसी ने ट्राई करा होगा ये क्वेश्चन. इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ पाया, चलो ग्रेट. किसी को इसमें डाउट है? समवन वांट्स टू डू अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन ओवर दिस? धैर्य आपका हाथ इसी के लिए है. हाँ, बोले सुरभि. यस सर, सो आई डिड नो द थर्ड पार्ट, द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आई हैड गॉटन इट करेक्ट, बट परफेक्ट द थर्ड पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट में आई नो व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम दैट यू वुड हैव एनकाउंटर्ड. आपको सेकंड पार्ट में तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, राइट, and kinetic energy is equal to half mv square. और yes. अब जब आप इस equation को solve करने जाओगे, ठीक है, तो you need to take caution of units. That is the learning for you now. ठीक है, the thing is that this kinetic energy was in the units of ev. Mm-hmm. How to equate it to half mv square is going to be a challenge, because you don't know how to write mass so that EV ki units ko use kar sake. So, wo aapko nahi aata hai. So, what you do is, then you need to keep everything in SI units. So, left hand side par aap mass rakhoge SI unit mein, kg mein.
वॉल्यूम रखोगे, सॉरी वॉल्यूम का बोल रहा हूँ, वेलोसिटी रखोगे ऐसा यूनिट में, दैट इज मीटर पर सेकंड में. एंड राइट हैंड साइड पे भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको भी आप ऐसा यूनिट दैट इज जूल्स में रखोगे. अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपका स्पीड का करेक्ट आंसर आएगा विच विल बी इन मीटर पर सेकेंड का यूनिट. Just the square root part was very confusing. Until then it was. So, वो ठीक है, वो मतलब that is something that would require a calculator का help. Okay sir. Manually कर पाना difficult होगा. ठीक है, but rather more important part is this able to comprehend कि हाँ मतलब मुझे अब ऐसे ये meter per second में अगर velocity या speed निकालनी है तो फिर मुझे सब कुछ ऐसे units में workout करना पड़ेगा. ठीक है. All right. So, अब let's try to validate this experimental equation which Albert Einstein had provided. ठीक है, क्या equation था? Energy of photon is being used in these two ways. किस तरीके से हम लोग अब इसको validate करेंगे? Let's look into today's lecture and start with the topic of stopping potential. Before I start explaining the stopping potential, what it means, how it is to be calculated, this was the photoelectric effect equation which Albert Einstein had given, right? Ab isko main kaise validate karun experimentally is the question in front of you. इस इक्वेशन में आप नोटिस करोगे एनर्जी ऑफ फोटोन इज समथिंग विच इज अंडर माय कंट्रोल. ये जो सोर्स यहां पर रहेगा, ये क्या वेवलेंथ का रेडिएशन थ्रो कर रहा है वो मैं गवर्न करूंगा. तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज समथिंग दैट इज गिवन टू मी. अच्छा, मेटल मैं कौन सा यूज करूंगा यहां पर, उस मेटल का थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा इज आल्सो समथिंग विच आई वुड नो बिफोर द एक्सपेरिमेंट एज वेल. ठीक है, लेट्स से इफ आई यूज अ मेटल ओवर हियर विच इज से पोटेशियम, तो पोटेशियम का मैं ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले से ही मुझे पता होगा, मैंने ये डिटरमाइन कर रखा होगा. कैसे डिटरमाइन करा होगा? मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस थ्रो करके फोटो करंट नोटिस किया होगा एंड द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसपे फोटो करंट जीरो हो जाता होगा, आई विल कीप ऑन लोअरिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द पर्टिकुलर वैल्यू जिसपे ये फोटो करंट जीरो हो जाएगा दैट आई विल मार्क एज द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मेटल. तो दिस इज समथिंग विच ऑल्सो आई विल नो. ठीक है, बट ये जो तीसरा टर्म है इन दिस इक्वेशन दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के मैक्स, दिस इज समथिंग विच इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट. हाउ डू आई मेजर इट एक्सपेरिमेंटली एंड वैलिडेट दिस इक्वेशन. जैसे इस इक्वेशन में अगर फोटोन का एनर्जी 10 ev है और वर्क फंक्शन 2 ev है तो ये इक्वेशन मुझे बता देगा दैट काइनेटिक एनर्जी 8 ev रहेगा. ठीक है, बट हाउ डू आई एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट दैट कि ये सही आंसर दिया है इस इक्वेशन ने. सो डू यू हैव एनी प्रपोजल ऑफ हाउ वी कैन डू दैट, एनी थॉट? क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दोबारा नोटिस करना. मुझे इस इक्वेशन को वैलिडेट करना है. ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस वैलिडेशन ऑफ दिस इक्वेशन? तो इस इक्वेशन में तीन टर्म्स है, एनर्जी ऑफ फोटोन, वर्क फंक्शन, के मैक्स. ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि ये इक्वेशन काम करती है. That means, अगर आप मान लो
15 ईवी का फोटोन थ्रो करोगे ऑन अ मेटल जिसका वर्क फंक्शन 5 ईवी है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला 10 ईवी का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ठीक है, अब मी एज अनदर साइंटिस्ट इज सीइंग दैट मैं इसको कैसे वैलिडेट करूं। ठीक है, फोटोन की एनर्जी 15 ईवी ये मेरे कंट्रोल में है, मेटल चूज करना जिसका वर्क फंक्शन 5 ईवी होगा वो भी मेरे कंट्रोल में है, बट हाउ डू आई एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट दैट जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 10 ईवी ही है। So can you like apply a potential difference of 10 volts across the two terminals? ठीक है, सही सोच रहे हो। So मतलब at some like potential difference then the electron should come to rest, right? So then based on that you can calculate it. Good. So अब इस चीज को validate करने का तरीका जो है it comes from what we had studied in the last class. Do you remember that we had studied that agar koi charged particle hai to usko accelerate ya deaccelerate karwaya ja sakta hai by applying potential difference across it? Do you remember that discussion in the last class that we had? परफेक्ट। तो आइंस्टीन की इस इक्वेशन को वैलिडेट करने के लिए हम लोग यही तरीका यूज करेंगे। तो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज दैट देयर आर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर ट्रैवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाउ मच, सॉरी विद अ चलो ठीक है, देर आर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रैवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, विद अ सर्टेन के ई मैक्स। ठीक है, अब अगर मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है, ठीक है, तो मैं इनमें से इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकता हूं। कैसा मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना चाहिए, विच साइड शुड बी पॉजिटिव, विच साइड शुड बी नेगेटिव? ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो मुझे इनको स्टॉप करने के लिए इधर लेफ्ट में नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस रखना चाहिए और राइट में पॉजिटिव, ताकि ये इसको डीएक्सेलरेट कर पाए ना। समझ में आया ये सबको? ठीक है, तो मैं यहां पर एक बैटरी कनेक्ट करूंगा सच दैट इट ट्राइज टू स्टॉप दीज इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कितना वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मैं अप्लाई करूंगा सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड एंड देयर इज नो फोटो करंट should help me calculate that what was the kinetic energy of the ejected electrons. ठीक है, मान लो अब आप सोचना कि पहले मैंने कोई potential difference नहीं लगाया तो इन electrons पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये electrons eject हो रहे थे, opposite side पे जा रहे थे, circuit complete हो रहा था and photo current मिल रहा था, करेक्ट, जब मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग सबको क्लियर है? अब मान लो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं और थोड़ा सा लगाता हूं स्मॉल, ठीक है, वैल्यू ऑफ फोटो, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं,
तब भी मैंने क्या नोटिस करा, तब भी मैंने नोटिस करा दैट अभी भी फोटो करंट सर्किट में दिख रहा था। तो इसका क्या कंक्लूजन मैं ड्रॉ करूंगा, इसका कंक्लूजन मैं ड्रॉ करूंगा कि ये जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है मे बी इट इज नॉट गुड इनफ टू रिड्यूस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू जीरो। ठीक है, इट इज नॉट एबल टू रिड्यूस द काइनेटिक एनर्जी और डी एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली। ठीक है, थोड़ा सा ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था क्योंकि मैंने। अब व्हाट शुड आई डू, मैं अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये तो मेरे हाथ में है ना, दिस इज अंडर माय कंट्रोल। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बढ़ा दूंगा, कब तक बढ़ाऊंगा, टिल व्हेन शुड आई इंक्रीज दिस पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक ये जो फोटो करंट है ये जीरो नहीं हो जाता। जैसे ये फोटो करंट जीरो होगा आई विल नोट डाउन द वैल्यू कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर ये फोटो करंट जीरो हो रहा है। ठीक है, तो फिर वो वैल्यू मैं नोट कर लूंगा एंड वो वैल्यू फिर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एंड दिस इक्वेशन शुड देन गिव मी दैट कितना काइनेटिक एनर्जी। राइट, ये कैसा होगा, दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल मैंने जीरो कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फोटो करंट नहीं ऑब्जर्व हो रहा है। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बेस्ड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस दैट आई वुड हैव अप्लाइड। तो यहां से एक्सपेरिमेंटली मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल पाऊंगा एंड उसको मैं इस इक्वेशन से आई हुई वैल्यू से मैच करके इस इक्वेशन को वैलिडेट कर पाऊंगा। समझ में आया ये वैलिडेशन कैसे हुआ? बोलो आर्यमन। So even at the threshold frequency there is still some current, right? If there is no kinetic energy. Right. So if it becomes zero, doesn't it mean like the experiment has like stopped working? Shouldn't it be like a minimum value, the current? Should it be zero? So that's what I have told you. Here, we are not at the threshold frequency. We are at some higher frequency than threshold. Okay. Okay. And then we are doing this experiment. Okay, sir. As a consequence, ठीक है, let's say जो वर्क फंक्शन था वो 5 ev था और एनर्जी ऑफ फोटोन 15 ev है। तो ये इक्वेशन क्या कह रहा है, दैट 10 ev का के मैक्स होना चाहिए था, है ना। दिस इक्वेशन इज प्रिडिक्टिंग 10 ev का के मैक्स। नाउ इफ आई अप्लाई अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 10 volts, देन इट शुड बी एबल टू स्टॉप दैट इलेक्ट्रॉन, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था विद आवर कैलकुलेशंस। ठीक है, सो आई विल डू दैट एक्सपेरिमेंटली एंड वेरीफाई। सो आई विल स्टार्ट विद द जीरो वैल्यू ऑफ वी, आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग 1 volt, 2 volt, 3 volt, और ये मेरा फोटो करंट जीरो नहीं हो रहा होगा। बट जैसे ही मैं 10 volt पे लेके जाऊंगा तो ये फोटो करंट मेरा जीरो हो जाएगा। So I will say that yes, this equation has been validated because by applying 10 volts, I am able to deaccelerate the Ke max electron and ensure that there is no photocurrent. Samajh mein aaya? How the validation worked over here? Theek hai, main thoda sa aur aapko through example एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, बट उसके पहले एक बार मैं क्विकली वापस से यहां पर अब आपको ये स्टॉपिंग पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वर्ड भी समझा देता हूं। सो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था
ठीक है, इनफैक्ट लेट मी रब दीज एरोज, ठीक है. लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड लेट मी गिव यू द इनिशियल सिचुएशन. द इनिशियल सिचुएशन इज दैट द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, इट इज एट रेस्ट. एंड अब मैं इसके अक्रॉस लेट से 7 volts का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा, लाइक इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज प्लेट. किस तरफ मूव करेगा? टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज प्लेट. ठीक है, कैन यू कैलक्यूलेट व्हाट विल बी इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स और इन ईवी? जो अपन ने लास्ट क्लास में फॉर्मूला डिस्कस किया था, अपन लोग वो अप्लाई करेंगे. दैट डेल्टा के इज इक्वल टू मॉड क्यूवी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मॉड क्यूवी. इनिशियल तो रेस्ट पर था, तो जीरो है, और चार्ज का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने 7 volts का अप्लाई करा है, सो यू गेट द काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स, क्योंकि ये सब मैंने ऐसा यूनिट में पुट करा है कूलम और वोल्ट में. तो मेरी काइनेटिक एनर्जी ऐसा यूनिट्स में आ जाएगी 1.6 × 10⁻¹⁹ × 7 joules. अब ये जो 1.6 × 10⁻¹⁹ joule है, इसको मैं EV लिख सकता हूँ ना, तो यू गेट द आंसर दैट माय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑफ द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन विल बी 7 EV. राइट, इतना सबको समझ में आया? ओके, डी एक्सेलरेशन वाला पार्ट भी समझ लो. ठीक है, डी एक्सेलरेशन वाला पार्ट क्या है? अगर मान लो, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये इनिशियली लेट से लेफ्ट से राइट जा रहा था. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मेरा इनिशियल, इसकी 10 ईवी की काइनेटिक एनर्जी थी और ये लेफ्ट से राइट जा रहा था. अब मुझे इसको स्टॉप करना है, मुझे इसको डी एक्सेलरेट करना है. राइट, तो मैं पहली बात तो किस डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट लगाऊंगा अगर मुझे इसको डी एक्सेलरेट करना है? तो ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो मुझे यहां लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव प्लेट लगानी चाहिए ताकि ये इसको डी एक्सेलरेट कर पाए ना. समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं कि ये स्टॉप हो जाए, क्या वो कैलकुलेट कर सकते हो? You will apply the same formula, delta K is equal to mod QE. ठीक है, डेल्टा के इज इक्वल टू मॉड क्यू वी करने से आप यहां पर देखोगे फाइनल तो अपने को जीरो चाहिए बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है 10 ईवी थी, मैंने उसको एसआई यूनिट्स में लिख दिया 10 × 1.6 × 10⁻¹⁹ joules. और राइट हैंड साइड पर भी क्यू एंड वी एसआई यूनिट्स में मैं लिखूंगा कूलम्ब और वोल्ट्स में, तो इससे मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा 10 volts. ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पर आपको चाहिए तो लिखो, नहीं चाहिए तो मत लिखो. ठीक है, बिकॉज डायरेक्शन वाला मैंने आपको पहले ऊपर काम करवा लिया डायरेक्शन के बारे में सोचने का, अदरवाइज ये जो माइनस साइन होता है वो बेसिकली डायरेक्शन के बारे में हेल्प करता है.
ठीक है, तो हम लोग ऊपर वो ऑलरेडी सोच चुके थे. यू कैन इवन आंसर द मैग्नीट्यूड सेइंग दैट 10 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आई? ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ऑफ नहीं नहीं वो देखो डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं मैं आपको अभी कि ये साइन कन्वेंशन नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे सब ये मॉड वॉट टर्म्स लगाए हुए हैं. ठीक है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ में काम करो, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू. आप मैग्नीट्यूड फिगर आउट कर लो, बाकी जो डायरेक्शन है वो आपको बाद में फिजिक्स में साइन कन्वेंशन के थ्रू वैसे भी बताते हैं. ठीक है, अभी के लिए ऑल यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन द मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो लेट्स से इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा आपका? मैग्नीट्यूड बताना है आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड. एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप है जिसमें इंसिडेंट रेडिएशन 1240 एंगस्ट्रॉम हम लोग थ्रो कर रहे हैं और वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2 eV. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल? दैट इज द मिनिमम पोटेंशियल दैट नीड्स टू बी अप्लाइड टू स्टॉप द फोटो करंट. निकाल सकते कि क्या है वैल्यू. अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, एमीटर रीडिंग के ई मैक्स की देता है या करंट की देता है? सर करंट की देगा, बट वो जब जीरो होगा तो वैसे ही तो अच्छा सम, लेकिन सर वो जीरो होगा तो वैसे वो जीरो जब हो रहा है तो पता चलेगा ना. हाँ तो जीरो यही तो बताएगा ना कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स अब दूसरी साइड पहुंचना बंद कर गए, मतलब हमने इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया है दैट वी आर नॉट अलाउिंग द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स टू रीच द अदर साइड. So, नहीं इनिशियली प्रेक्षा हम लोगों ने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करा. ठीक है, इनिशियली देयर वाज नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, द इलेक्ट्रॉन्स वर गेटिंग इजेक्टेड बिकॉज ऑफ द एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम द फोटोन. ठीक है, नाउ दैट दे आर इजेक्टिंग दे हैव सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, वी वांट टू ब्रिंग देम टू रेस्ट बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन स्टॉप देम. समझ में आया? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स तो सामने की तरफ इजेक्ट होंगे ना, यहां से आप रेडिएशन स्ट्राइक कर रहे हो. ठीक है, सामने से रेडिएशन स्ट्राइक कर रहे हो एंड ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस के इधर लेफ्ट हैंड की तरफ इजेक्ट होते जाएंगे. ठीक है, माइट नॉट बी इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, सम माइट गो दिस वे दैट वे, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास में, बट दे वुड बी मूविंग टुवर्ड्स दिस डिटेक्टर प्लेट एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस विच कैन स्टॉप द इलेक्ट्रॉन विच हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे वो तो ऑटोमेटिकली रुक ही जाएंगे ना, इफ वी आर एबल टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो यस 8 वोल्ट्स इज द करेक्ट आंसर. आई होप मोस्ट ऑफ यू सबने, मतलब इनफैक्ट किसी ने गलत आंसर नहीं दिया अभी तक मुझे, जितना भी सॉल्व करा है, जितना नहीं सॉल्व करा है, सो यू हैव द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू. के ई मैक्स की वैल्यू 8 eV आती है, तो या तो आपको चाहिए तो आप बैठ के कैलकुलेशन कर लो,
बट सिंपली अगर आप पुट करोगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, दैट 8 eV कैन बी डायरेक्टली रिटन एज दैट 8 वोल्ट्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए ही कर सकते हो, अल्फा पार्टिकल वगैरह के लिए मत करना। अल्फा पार्टिकल के लिए प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल के थ्रू बताया था, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी रीवर्क, ठीक है, मान लो लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल है जो कि 5 ईवी काइनेटिक एनर्जी से लेफ्ट से राइट जा रहा है, एंड उसको स्टॉप करना है मुझे, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा? आंसर बताओ। बोलो दिशांत। नो सर, आई रेज्ड हैंड फॉर अ डाउट। हाँ बोलो ना। Sir, why will the voltage stop an electron? Because a potential difference is going to exert a force on a charged particle. Depending upon हमने कैसे potential difference का direction लगाया है, it might accelerate or deaccelerate that charged particle. ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. बोलो आर्यमन। So is the answer -2.5 volts? हाँ। बोलो यश। सर मुझे भी आंसर 2.5 वोल्ट है, पर समझ में नहीं आया 5 वोल्ट के सामने 2.5 वोल्ट कैसे रोकेगा उसको, समझ में नहीं आया मुझे ये। क्या दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ मुझे भी 2.5 वोल्ट ही आंसर आया, पर ये समझ में नहीं आया कि 5 वोल्ट के सामने 2.5 वोल्ट कैसे रोकेगा, वो तो कम पड़ेगा ना उसके सामने वैल्यू में। तो ये 5 ईवी है। अच्छा हाँ, सॉरी, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोलते ना कि 5 kg और 5 meter सेम चीज होती है क्या? और इस रिकॉर्ड थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। बोलो ना चिकन। सर इन दिस क्वेश्चन वी टेक द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2 ना, लाइक बिकॉज़ इट इज अ हीलियम, इट एमिट्स अ हीलियम एटम। हाँ, सो वही चीज मैं आपको यहाँ पे करवाना चाह रहा था। सो दिस इज द कैलकुलेशन। हाँ, so we use that same formula जो हम लोगों ने इतनी देर से discuss किया है, delta K is equal to QV, that will be our starting point, kinetic energy final minus kinetic energy initial will be equal to QV या mod QV, ठीक है, जैसा भी आप लिखना चाहो। We want to stop this alpha particle, so the final kinetic energy is zero and the initial was 5 eV and this should be equal to mod QV, ठीक है। अब एवरीथिंग इन SI यूनिट्स अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूंगा तो ये कैसा रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल हैव द काइनेटिक एनर्जी एज 5 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स, ये जूल्स में रहेगा। अब यहाँ पर जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल का वो कितना रहता है, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, ठीक है। एंड जो वी रहेगा वो हमें फिर वोल्ट्स में आंसर मिलेगा, तो व्हेन यू सॉल्व फॉर इट यू गेट द आंसर एज वी इज इक्वल टू -2.5 वोल्ट्स, राइट। दिस माइनस बेसिकली रिप्रेजेंट्स दैट इट इज गोइंग टू बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट वी हैव अप्लाइड, ठीक है। समझ में आ गया आंसर? इवन इफ यू वुड हैव रिपोर्टेड द मैग्नीट्यूड 2.5 इट्स ओके बिकॉज That is what I'm asking you right now. मैंने question में बोल दिया stopping potential apply करना। ठीक है, is this clear?
chalega, just 2.5 value would be sufficient for you to answer this. Sir, in these questions, do we have to be specific about the minus sign, like when it is stopping potential or accelerating potential? नहीं अभी नहीं, क्योंकि क्या यहाँ पे साइन कन्वेंशन और मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ ना. जब आप 12th में फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ोगे तब आपको साइन कन्वेंशन के साथ में बताएंगे. बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद दैट राइट नाउ. आई एम ओनली एंड ओनली राइट नाउ कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड. दैट्स ओके. ओके सर. माइनस 2.5 वोल्ट कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? आपको बस साइन, ये जो मान लो ये बैटरी है, अभी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, यस सर, और ये अल्फा पार्टिकल मान लो ऐसे लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसको डी एक्सेलरेट करेगा, है कि नहीं? यस सर. अब मुझे मान लो एक्सेलरेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बैटरी को उल्टा लगा दूंगा. ओके, मतलब हम 2.5 वोल्ट लगाएंगे उसके लिए वो माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए. तो वो 2.5 जो है वो तो मैग्नीट्यूड है जो हमें बताता है कि कितना अमाउंट लगेगा टू एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट. बाकी कैसे लगाना है वो हमें जज करना पड़ता है बेस्ड ऑन हाउ द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम व्हाट डायरेक्शन टू व्हाट डायरेक्शन. ठीक है. एंड उसके लिए ये साइन कन्वेंशन जो है वो आप सीखोगे 12th क्लास में. बट अभी के लिए मैं आपको साइन कन्वेंशन की डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ. ठीक है. ऑलराइट. तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग था ऑफ दिस टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. एंड बेस्ड ऑन दिस आई थिंक अब आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन भी था जिसमें आई थिंक वो FBS में 34th या 33rd ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट्स वाज अप्लाइड. ठीक है. तो वो अब आप लोग वापस से सोचना, ट्राई करना. ठीक है. ऑल्दो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट बट आई विल स्टिल रिक्वेस्ट टू टेक अनदर अटेम्प्ट एट इट. ठीक है. इफ यू हैव ट्राइड दैट होमवर्क नाउ let's complete our discussion of photoelectric effect with qualitative analysis. Okay, what is or what do we mean by this qualitative analysis? It is basically a cause and effect analysis, which in fact many of you had asked me doubts in the last lecture also. सर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा. तो दैट इज द एनालिसिस दैट वी आर गोइंग टू ट्राई एंड वर्क टुडे. इस पर्टिकुलर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट का कॉज क्या है? द कॉज इज इंसिडेंट रेडिएशन स्ट्राइकिंग ऑन अ मेटल एंड द इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग इजेक्टेड. Now what we are trying to understand is that if I tweak or modify certain parameters of the cause, जो incident radiation है, let's say मैं उसकी frequency, wavelength या intensity I mean number of photons, ये सब change करूँगा, तो how is it going to impact my effect? Specifically, how is it going to impact the kinetic energy of the ejected electrons? Or how is it going to impact the photocurrent? ठीक है. तो एक एक करके चलते हैं. सबसे पहले ठीक है, what I am going to do is I am going to modify the wavelength or frequency of the incident radiation while keeping the number of photons unchanged. ठीक है. जो
इंटेंसिटी वाला पार्ट है, इंटेंसिटी को हमेशा, ठीक है, ऑल्दो इंटेंसिटी के फॉर्मूले में आपको फ्रीक्वेंसी भी दिख रही है, बट व्हेनेवर इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, इट इज ओनली एंड ओनली द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बीइंग इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. तो इस पर्टिकुलर अभी सिचुएशन में, एनालिसिस में, हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स अनचेंज्ड रख रहे हैं. ऑल वी आर डूइंग इज वी आर मॉडिफाइंग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड वी वांट टू सी व्हाट विल हैपन टू केई मैक्स और फोटो करंट. सो आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर दैट. अगर मान लो मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, then what will happen to ke max? Will it increase, decrease or remain the same? Bolo Rohan. So if we increase the wavelength or frequency, the kinetic energy of the ejected electron will increase, but the photocurrent will remain the same. ठीक है आदित्य, आपका भी आंसर यही है? यस सर. ऑल राइट, ध्रुविल. सर सेम ही आंसर, इट विल इंक्रीज. तो आप लोगों का आंसर करेक्ट है दैट बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी द के मैक्स इज गोइंग टू इंक्रीज. Now we can show that from a mathematical perspective also by looking at the photoelectric effect ka equation, h nu is equal to h nu naught plus k max, right? Ab agar main frequency badha deta hu, right, h nu naught to metal pe depend karta hai, wo to unchanged rahega agar metal hum change nahi kar rahe to. To agar main frequency badha deta hu to fir ye mera k max ka value bhi badh jayega. ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं इसको थोड़ा और इलैबोरेट करूं, ठीक है, इफ आई ट्राई टू आस्क यू अ ग्राफ ऑफ हाउ के मैक्स, ठीक है, वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ वुड लुक लाइक, तो कैन यू ड्रॉ दैट ग्राफ फॉर मी? यू कैन अटेम्प्ट एट ड्रॉइंग दैट ग्राफ. हाँ, कुछ कुछ आंसर सही आ रहे हैं बट स्टिल प्रॉपर ग्राफ बना के सोचो कैसा रहेगा. राइट, यू कैन सी दैट द रिलेशनशिप इज समथिंग which is of a direct proportionality, that means a straight line, hai na. All right, so ye kaisa rahega yahan pe graph, let me like try to draw it in a बेस्ट पॉसिबल मैनर. अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, ठीक है, मान लो अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो क्या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी? अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, न्यू नॉट तक. इनफैक्ट जब तक मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंच जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी?
it will be zero only. Okay, it will not be governed by this equation. This equation will only start to make sense after threshold frequency. उसके पहले kinetic energy negative थोड़ा ना होगी, right? Threshold frequency पर और उसके बाद से अब मैं graph draw करना शुरू करूँगा. ठीक है, उसके पहले तो it will be just a line on the x-axis. After threshold frequency, अब आप notice करोगे, अब ये graph कैसा रहेगा? जैसे जैसे मैं frequency बढ़ा रहा हूं, के max की value बढ़ती जाएगी, and the variation would be as determined by this equation, a straight line, a linear relationship. समझ में आया? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे के मैक्स बढ़ता जाएगा. ठीक है, सो व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ दिस इज हाउ इट वुड बी लुकिंग लाइक. ठीक है, न्यू नॉट तक इट विल बी जीरो एंड न्यू नॉट के बाद में इट विल बी लीनियरली इंक्रीजिंग. ठीक है, इफ आई आस्क यू डिटेल्स अबाउट द स्लोप तो उसके लिए आपको ये लीनियर रिलेशनशिप को रीड करना आना चाहिए. ठीक है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो रहता है उसमें जो एम होता है वो स्लोप होता है. तो यहाँ पर दैट एम इज एक्चुअली द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो ये के मैक्स की अंडरस्टैंडिंग समझ में आई सबको दैट हाउ के मैक्स वुड बी. ठीक है, अब आई एम आस्किंग यू व्हाट विल हैपन टू फोटो करंट. ठीक है, इफ आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ठीक है, तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का के मैक्स पे इफेक्ट बता लिया, फोटो करंट पे क्या इफेक्ट रहेगा बोलो ध्रुविल. No effect, ना? The photo current will be unchanged. Unchanged. ठीक है. तो अगर मैं इस चीज को graphically आपके साथ में discuss करना चाहूँ, ठीक है? पहले logically discuss कर लेते हैं. Logically यहां पर क्या हो रहा है, वाई इज द फोटो करंट नॉट चेंजिंग. द फोटो करंट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज द फोटो करंट इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स. ठीक है, जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे एंड उतना ही आपको फोटो करंट मिलेगा. ठीक है, बट अगर यहां पर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स अनचेंज्ड हैं, लाइक फोटॉन्स नहीं चेंज हो रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले इजेक्ट हो रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन्स ही इजेक्ट हो रहे होंगे एंड फोटो करंट भी आपको उतना ही ऑब्जर्व हो रहा होगा. ठीक है, इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये ग्राफ कैसा दिखना चाहिए आपको? व्हाट शुड बी द ग्राफ ऑफ सर पहले वैल्यू जीरो रहेगी ना, क्योंकि जब तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस नहीं करेगा. करेक्ट, तो अगर मैं ग्राफिकली में यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मार्क करूँ तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं रीच हो रही है तब तक तो फोटो करंट जीरो है. सर उसके बाद सीधा एक वैल्यू इंक्रीज होगा ना, फिर उसके बाद फिर वो अनचेंज रहेगा. करेक्ट, सो अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर आई वुड एक्सपेक्ट दैट सडनली देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ फोटो करंट व्हिच देन शुड रिमेन अनचेंज्ड इवन इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी.
राइट, ऐसा ही कुछ ग्राफ एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग। इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा एडिशनल डिटेल नोटिस करना, ठीक है? आई वुड वांट टू शो दैट एडिशनल डिटेल टू यू, ठीक है? तो लुक एट दिस ग्राफ जो अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ करा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले तो जीरो रहेगा फोटो करंट। नाउ थियोरेटिकली स्पीकिंग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद देयर शुड बी अ सडन जंप एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट यू शुड हैव अ फोटो करंट, ठीक है? बट प्रैक्टिकली जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा एक डिसकंटिन्यूटी नहीं आता, ठीक है? प्रैक्टिकली द ग्राफ goes and increases in a steady manner, ठीक है? Steep रहेगा but वो ऐसे continuous way में increase करता है। Can someone explain me this steep connection? Practically ऐसा क्यों दिख रहा है graph? बोलो शुभियान सर, इट टेक्स टाइम फॉर द मीटर वैल्यू टू चेंज। नहीं, बोलो धैर्य। सर सारे फोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जैक कर पा रहे हैं, धीरे धीरे करके जैसे जैसे बढ़ेगा करंट, सॉरी ये क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो वो ज्यादा जो वो है फोटॉन्स इजेक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, थोड़ा सही डायरेक्शन में ही जा रहे हो। बोलो हुसैन। सो द डिफरेंट फोटॉन्स टेक डिफरेंट टाइम टू रीच, सो लाइक बाय द टाइम वन विल रीच एट अ डिफरेंट टाइम, वन फोटॉन विल रीच एट अ डिफरेंट टाइम एंड द अदर फोटॉन विल नॉट अ वेरिएशन विद टाइम। दिस इज नॉट अ वेरिएशन विद टाइम, से मतलब जो फ्रीक्वेंसी मैंने इंक्रीज करे, ठीक है, आई जस्ट increased after threshold frequency, ठीक है? Just threshold frequency के मैं आगे पहुंच के increase कर दिया and I let that be the incident radiation का frequency. Now what I see isn't a sudden jump in the value of I, but I see that okay, we start seeing some current but a small value only. बोलो भाव। The current is caused by the kinetic energy of the electrons which pushes the electrons in front, hence causing a current. थोड़ा और refine करने की जरूरत है। बोलो आदित्य। बोलो साहिल। सर व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी तो सर हाँ सर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स तो सर इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज एंड नॉट इंक्रीज विद अ स्ट्रेट लाइन। सही सोच रहे हो। चलो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से आर्टिकुलेट कर देता हूँ फॉर एवरीवन, ठीक है? एंड मैं कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है? दोज आर सम रैंडम वैल्यूज विच आई एम टेकिंग, सो डोंट वरी अबाउट दोज वैल्यूज। मान लो, ठीक है, 100 फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट टाइम ऑन दिस मेटल सर्फेस, ठीक है? एंड इन फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, फोटो करंट नहीं ऑब्जर्व होगा,
ठीक है. अब इन फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी मैंने जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ाई, तो क्या हो जाएगा, 100 फोटॉन्स से अज्यूमिंग कंप्लीट एफिशिएंसी, ठीक है, ऑल्दो देयर इज एन एफिशिएंसी फैक्टर ओवर हियर, बट अभी के लिए मान लेते हैं 100 फोटॉन से मान लो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, बट इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, विद वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच द अदर प्लेट, जो सामने प्लेट रही थी ना डिटेक्टर प्लेट, वहां पे सबके सब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इज क्वाइट लो, मे बी 4-5 इलेक्ट्रॉन पहुंच पाए, ठीक है, बाकी दे एनकाउंटर्ड सम लॉस ऑफ एनर्जी इन सम फॉर्म बिकॉज ऑफ सम अदर एटम ऑफ मेटल अट्रैक्टिंग देम और सम अदर एटम लाइक कमिंग इन देयर पाथ, ठीक है, दे लॉस्ट दैट काइनेटिक एनर्जी. तो क्या हुआ, एक छोटा सा वैल्यू ऑफ करंट ही हमें ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दैट स्मॉल काइनेटिक एनर्जी. अब आपने बोला कि चलो ये फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी. तो अब पहले जो 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे उनमें से मे बी 4-5 जा पा रहे थे, अब 10-15 इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच द अदर साइड एंड इंक्रीज द फोटो करंट, ठीक है. Now you keep on doing this exercise, ठीक है, आप ये threshold frequency को, ये incident radiation की frequency को significantly बढ़ा दिए हो, तो अब क्या होगा, अब एक ऐसा point आ जाएगा जहां पे we can safely say that जितने electron पहुंचने थे, ठीक है, hypothetically से 100 photon से 100 के 100 electrons eject जो हैं वो अब सब के सब, ठीक है, ऑल आर एबल टू रीच द अदर साइड एंड करस्पॉन्डिंग टू देम यू विल सी द सैचुरेशन करंट, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे सैचुरेशन करंट बोल रहे हैं, मतलब ये जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते थे उनके करस्पॉन्डिंग फोटो करंट हमें ऑब्जर्व होने लग गया. अब इसके बाद भी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, यू फर्दर कीप ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, विल दैट नाउ इफेक्ट द फोटो करंट, द आंसर इज नो, बिकॉज जितने फोटॉन्स आपने डाले थे उनके करस्पॉन्डिंगली सब इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच द अदर साइड. अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो फोटो करंट भी चेंज नहीं होगा, ठीक है. तो थियोरेटिकली स्पीकिंग द ग्राफ वॉज समथिंग दैट यू वर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जीरो एंड देन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, बट प्रैक्टिकली देर इज दिस स्मॉल कर्व, ठीक है, स्टीप सा कर्व रहेगा विच इज सीन बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ how many electrons are being able to reach the other side, ठीक है, I hope आपको समझ में आया है, ठीक है, हाँ, बोलो कृति. Sir, so the frequency value we increased it randomly or at a fixed rate? नहीं, बस increase कर रहे हैं, धीरे-धीरे increase कर रहे हैं, आपकी जैसे इच्छा है, like maybe 1 hertz at a time, 2 hertz at a time, जैसे आपको increase करना है. So was it due to the random value of frequency? नहीं, we are just increasing the frequency. It doesn't matter how we are increasing.
I increased the frequency and corresponding to that, I saw an increase in the photo current. Okay, sir. बोलो ध्रुव सर मुझे एक डाउट था सर अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है हाँ. इसका मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है ना करेक्ट तो सर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो टाइम डिक्रीज होगा करेक्ट तो सर अगर टाइम डिक्रीज हो रहा है तो करंट भी तो वही होता है ना चार्ज अपॉन टाइम हाँ सो गुड क्वेश्चन आई वॉज होपिंग कि कोई ना कोई तो पूछेगा ये क्वेश्चन ठीक है सो आई होप बाकी लोगों को भी क्वेश्चन समझ में आया होगा ठीक है व्हाट ध्रुव इज सेइंग सर करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम तो अगर आपने बोला कि 100 फोटॉन्स आपने स्ट्राइक करे और उनसे 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए ठीक है बट अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता हूं तो ये टाइम टेकन टू रीच तो कम होगा ना फिर तो फोटो करंट बढ़ना चाहिए राइट क्वेश्चन समझ में आया अभी सबको ठीक है हाउएवर The thing is, ये जो फोटो करंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस फोटो करंट का जो की फैक्टर है इज एक्चुअली द चार्ज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रीचिंग द टाइम पार्ट इजंट एक्चुअली समथिंग विच इज गोइंग टू मैटर मच बिकॉज ऑफ टू रीजंस ठीक है कैसा नोटिस करना नंबर वन दैट ये जो फिनोमिना हुआ ठीक है इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड इट हैपेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस ठीक है वो ऑलरेडी इतना छोटा टाइम का ड्यूरेशन है दैट इट इजंट द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग दिस फोटो करंट इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दूसरा रीजन यहां पे आप नोटिस करना ध्रुव जो फोटो करंट का वैल्यू मिलता है वो मिलता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन दिस वायर ठीक है यहां हवा में इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा हो गई तो भी द फैक्ट दैट These electrons are caught by this plate and then they have to travel through this wire is what is going to be determinant of this current. Okay, and that isn't impacted by how fast the electrons traveled over here in vacuum. It is the number of electrons which is going to be the primary governing factor. समझ में आया ध्रुव यस सर सो हैविंग सेड दिस पहला पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा ऑफ आर क्वालिटेटिव एनालिसिस और कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट वाज द पहला पार्ट दैट इफ आई मॉडिफाई द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ठीक है, if I increase it, then Ke max increases, but photo current remains constant. ठीक है, this was the first important learning. Now, let me tweak the second parameter. ठीक है, while keeping the first one same, तो मैं अभी frequency और wavelength को change नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. I am going to now say increase the number of incident photons. I am going to increase this intensity, and by intensity, I always mean number of incident photons. Then, what will happen to Ke max? What will happen to photocurrent?
Who would want to give the answer? Bolo Khushi. So Ke max will remain the same, whereas photocurrent will increase. Absolutely right. ठीक है, कैसा रहेगा यहाँ पे? अब आप नोटिस करो, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी से तो कोई लेना देना रहेगा नहीं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन पे डिपेंड कर रहा था. फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड है तो काइनेटिक एनर्जी भी अनचेंज्ड है. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द फोटो करंट, इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विल ऑल्सो इंक्रीज and as a consequence the photocurrent also increases. ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस था ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट. बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग नाउ आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन. ठीक है, मैंने आंसर ड्रॉप कर दिया है, लेट मी नो व्हाट इज द आंसर. कुछ डाउट है धैर्य? सर वो भूल गया लोअर हैंड करना. बोलो धर्मेंद्र, कुछ डाउट है? नो सर, भूल गया मैं भी. हाँ, रोहन समीर आपका आंसर करेक्ट है, दीपक आपका भी करेक्ट है, रेहान, अजात शत्रु, सुजल, सिद्धार्थ, गोपाल, धैर्य, ध्रुविल, आदित्य, नहीं ध्रुविल तक सही है, आदित्य आपका गलत है, हुसैन आपका करेक्ट है, खुशी नहीं आपका करेक्ट नहीं है, पलाश करेक्ट है, राधा, अंग, साहिल करेक्ट है, जनमंजय नॉट करेक्ट, अनय, गौरव, प्रवीण करेक्ट, नचिकेत इनकरेक्ट, विवेक, यश, विवेक भी इनकरेक्ट है, यश करेक्ट है, दिशांत इनकरेक्ट, दिव्यांश, आर्यमान, आदित्य, कैरव करेक्ट है, माहिका नहीं नॉट करेक्ट, अजिंक्य, ध्रुव करेक्ट, श्लोक इनकरेक्ट, शुभियन करेक्ट, जय, वरुण, जोवन, सम्यक, सम्यक तक करेक्ट है. चलो अभी मैं थक गया, अब बहुत सारे नाम आते जा रहे हैं. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली. जिस इसका नहीं आया है, दोज़ हू हैव गिवन इनकरेक्ट आंसर, दोबारा सोचो क्या गड़बड़ करी होगी आप लोगों ने. ठीक है, यहां पर आप नोटिस करोगे इंटेंसिटी इज एक्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज वाई. ठीक है, एंड देयर काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड. ठीक है, सो अगर एक्स डबल कर रहे हैं, एक्स डबल मतलब इंटेंसिटी डबल कर रहे हैं, इंटेंसिटी डबल करना मतलब इट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल करना. नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा. एंड व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, दे विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, आई माइट नॉट बी एबल टू से एग्जैक्टली कि इंटेंसिटी डबल करने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो गए. Okay, that will be a big assumption to make. All I can just say is that number of photons double karne se number of electrons zarur increase ho jayenge. Double may be, may not be.
excuse me sir. हाँ, बोलो निशान. But if we double the number of photons, so the greater kinetic energy will be imparted to the electrons, right? ऐसे? Sir, because the threshold frequency will remain the same, and the and greater energy will be left. So the energy of photon क्या होता है? H न्यू, न्यू तो हम लोग चेंज कर ही नहीं रहे ना. यस सर. बोलो धैर्य. इन द मीन टाइम बाकी लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करो. सर इन आइडियल केस क्या कहते हैं ये जो है ये इंटेंसिटी डबल होगी तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो गए ना इन आइडियल केस. हाँ बट दैट इज इनफैक्ट हाईली इम्प्रोबेबल. ठीक है वैसा नहीं होता है. लेट मी ब्रिंग इन वन मोर क्वेश्चन. जस्ट गिव मी वन मोमेंट. आई एम जस्ट रिमूविंग द आंसर्स. All right. Match the column type question. आपको answer करना है. And it is tricky because इसमें ऐसे 1-to-1 mapping नहीं है. 1-to-many mapping है. जैसे मैं पहला वाला आपके लिए कर देता हूँ. And बाकी फिर आपको try करना रहेगा. So let's say if the frequency of incident light is decreased. ठीक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो पी क्यू आर एस में से क्या क्या हो सकता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट डिक्रीज. वेल अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा हूं ठीक है इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस तो व्हाट विल हैपन टू के मैक्स. के मैक्स भी डिक्रीज कर जाएगा. इंप्लाइज जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमारा मैग्नीट्यूड है ठीक है हमेशा मैग्नीट्यूड के टर्म्स में सोचना है यहाँ पे. उसके लिए भी क्या हो जाएगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा. कर जाएगा ठीक है. तो ए के लिए पी तो मैच कर रहा है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मे स्टॉप. इज दैट पॉसिबल इफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स लेस देन. मैं डिक्रीज ही करता जा रहा हूं ना. मान लो थ्रेशोल्ड के नीचे लेके चला गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मे स्टॉप. तो क्यों भी पॉसिबल आंसर हो सकता है ना. अच्छा सैचुरेशन करंट मस्ट इंक्रीज या मस्ट डिक्रीज. Is must going to be always the case? ऐसा नहीं है ना. जो saturation current का value था अपना हो सकता है वो change नहीं करे. मतलब मान लो ठीक है ये मेरा photo current versus frequency का graph था राइट कुछ इस तरीके का ग्राफ था है ना. समथिंग लाइक दिस करेक्ट. ये मेरा सैचुरेशन करंट था. अब मान लो कि मैं यहां पर हूं ठीक है और मैंने फोटो ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी यहां पर ठीक है. डिक्रीज करके आया बट मेरा फोटो करंट सैचुरेशन फोटो करंट तो चेंज ही नहीं हुआ ना. इट इज स्टिल द सेम. तो ये मस्ट इंक्रीज या मस्ट डिक्रीज मेक्स आर एन एस ऑप्शन इनकरेक्ट. तो मैं अगर मे होता तो फिर भी मैं सोच सकता था ठीक है मे अगर रहता है यहां पर बट मस्ट तो डेफिनेटली नहीं है. तो मेरा ए का तो सिर्फ मैं पी और क्यू मार्क करूंगा.
ठीक है. अब बी सी डी का आप लोग मुझे सोच के बताओ व्हाट कैन बी दी आंसर. ठीक है, ध्यान से केयरफुली असेस ईच एंड एवरी PQRS ऑप्शन फॉर अ गिवन. स्टेटमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. All right, so many students have given their answers. Now let's analyze them one by one. So B ke liye kaisa rahega? Intensity of the incident light is decreased. What do I mean by intensity? Always number of photons. Theek hai, kuch aur sochne ka hi nahi hai iske bare mein. Number of photons agar decrease ho gaye, however the frequency is kept constant and is greater than threshold frequency, then will stopping potential decrease? The answer is no, because stopping potential depends on the frequency, that is unchanged. Photoelectric effect may stop, well again not really, because the frequency is still greater than the threshold frequency. By decreasing the number of photons you will decrease the photocurrent, but not stop photoelectric effect from happening. Saturation current increase or decrease hoga? So the answer is yes, the saturation current will decrease. Reason being that number of incident photons kam ho gaye. So saturation current, that is the number of ejected electrons, bhi
कम हो जाएगा. ठीक है. नाउ सी ऑप्शन. मेटल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मेटल ऑफ हायर वर्क फंक्शन. ठीक है. एंड द इंसिडेंट रेडिएशन इज द सेम सेम फ्रीक्वेंसी सेम नंबर ऑफ फोटॉन सेम इंटेंसिटी. व्हाट विल हैपन. स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट डिक्रीज. यस स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट डिक्रीज. व्हाई. बिकॉज फाई का वैल्यू बढ़ रहा है. फाई का वैल्यू बढ़ रहा है तो के ई मैक्स का वैल्यू कम हो जाएगा. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट डिक्रीज. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मे स्टॉप. यस इट मे स्टॉप. हो सकता है कि मेटल का वर्क फंक्शन इतना बढ़ जाए दैट इंसिडेंट रेडिएशन का फोटोन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करवा पाए. ठीक है. इट मे हैपन. ठीक है. ऐसे मस्ट नहीं लिखा है बट मे तो हो ही सकता है. सैचुरेशन करंट मस्ट इंक्रीज और मस्ट डिक्रीज. अगेन कंपल्शन नहीं है. मे बी आपने मेटल का जो है वर्क फंक्शन थोड़ा सा ही बढ़ाया एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड जितने थे उतने ही रहे तो फोटो करंट पे हो सकता है ना इफेक्ट ना पड़े. जैसे मस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल. एंड देन इन द डी ऑप्शन इंटेंसिटी. ये बी ऑप्शन का ऑपोजिट हो गया एक तरीके से. बी ऑप्शन इज द ऑपोजिट ऑफ डी ऑप्शन. तो विल जस्ट सिंपली मार्क दिस एज आर रादर देन थिंकिंग टू मच. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. हाँ अब इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन पे डिबेट करना है लेट मी नो. बोलो दिशांत. नो सर आई फॉरगॉट टू लोअर माय हैंड. ध्रुविल सर इन वी वी वाले का सपोज इंटेंसिटी को नेगलिजिबल जीरो के आसपास होगा तो वो तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो स्टॉप हो सकता है ना. नहीं नहीं. सो अगेन यू आर सेइंग कि इंटेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं मतलब इसका ये नहीं है कि जीरो ले जा रहे हैं. जीरो वुड बी एन एक्सट्रीम वैल्यू. नियर बाय जीरो. हाँ ओके सर. बोलो धैर्य. सर वो लास्ट वाला जो जो उसने पूछा वही था कि अगर जीरो हो गया तो फोटोइलेक्ट्रिक मतलब जीरो वैल्यू नहीं ले रहे हम लोग. ये नहीं मतलब इसका मतलब तो ये हो गया ना कि रेडिएशन ही नहीं आ रहा है. देन तो द एंटायर एक्सपेरिमेंट इजंट देयर. एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे ना. ठीक है. ऑल राइट. बोलो क्या रहा. सो फॉर ए अगर फ्रीक्वेंसी फॉल्स बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो सैचुरेशन करंट मस्ट डिक्रीज. ना सॉरी दोबारा बोलो. So for A, if frequency falls below threshold frequency, so saturation current must decrease. Na? Must nahi hai na. See, when I say right hand side pe must, it means that it is applicable even if the frequency is decreased but still greater than threshold frequency. Yes sir, so agar usse kam le jaye to zero ho jayega na. Haan, toh may likha hona chahiye na right hand side pe. तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते थे एज एन आंसर. मस्ट लिखा हुआ है तो दैट इज नॉट देन द करेक्ट आंसर. समझ में आया. चलो ऑल राइट देन. हाँ बोलो प्रथम. सर ऐसा कभी पॉसिबल है कि मेटल बहुत लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला लिया है और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला वो रेडिएशन मतलब डाला तो सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए.
बिल्कुल ओके सर बोलो जनमंजन सर बट जो अभी उसने क्वेश्चन पूछा है मतलब अगर सारे मतलब इलेक्ट्रॉन्स के निकल गए बट ऐसा एक सर्टेन टाइम तो रहेगा ना कि मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शेल्स के ही इलेक्ट्रॉन्स निकले क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहता ही है ना हाँ हो सकता है बोलो दक्ष सर आई वांट टू से दैट सर आप लास्ट क्लास का डाउट लेक्चर का भेज सकते हैं प्लीज नहीं ग्रुप पे और से जूम लिंक ताकि वी फॉर रेफरेंस वी नीडेड जूम पर है ही नहीं यू रिकॉर्डेड ना जूम लिंक जैसे भेजते हैं वो वाला वो लोकल मशीन पर रिकॉर्ड होते हैं क्लाउड पे नहीं करता मैं अच्छा यू कैन जस्ट सेंड अ रिकॉर्डिंग देन नहीं ना मुझे अच्छा ओके सर क्लासेस अटेंड करा करो सर आई वाज देयर So battery may like in school we learned that conventional current goes from positive to negative and electron flow goes from negative to positive. So which one should I follow in like the stopping potential type of questions? मैं इसीलिए कह रहा हूँ that don't be confused by the sign convention because आपको sign convention detail में पढ़ना होगा in 12th class. Okay. अभी just focus on the magnitude. Okay sir. बोलो धैर्य सर आगे कुछ पढ़ाने वाले हो नहीं नहीं हो गया आज का डिस्कशन डन है बेस्ड ऑन दिस आई एम गोइंग टू सेंड यू अ क्वेश्चन टू वर्क ऑन ठीक है अच्छा सर एक और क्वेश्चन था कि इससे मेटल आयोनाइज हो सकता है होता ही है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का मतलब मेटल आयोनाइज हो गया ओके ठीक है चलो ऑल राइट देन थैंक यू गाइस टेक केयर बाय बाय